नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा में 26 जनवरी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एसपी कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम फहराएंगे तिरंगा। गणतंत्र दिवस की तैयारी परेड की ली एसडीएम ने सलामी, एसपी कलेक्टर रहे मौजूद। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम फहराएंगे झंडा। कोरोना वायरस संक्रमण काल के बाद होगा भव्य आयोजन। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण कार्यक्रम के मुख्य आयोजन रीवा के एसएफ मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां पर परेड की सलामी लेने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम खास तौर से मौजूद होंगे, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। साथ ही परेड रूट को डामरीकृत कर स्थायी व्यवस्था बनाई गई है। 26 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ध्वजारोहण करेंगे, परेड की सलामी लेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश का जिले की जनता के नाम से संदेश का वाचन करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए तमाम तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आज रीवा के एसएफ मैदान में कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन सहित सारे प्रशासनिक अमले ने पहुंचकर कार्यक्रम के अंतिम रूपरेखा को तय किया। परेड का निरीक्षण करने के लिए एसडीएम को खड़ा किया गया था, उन्होंने आज परेड की सलामी ली। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प साफ तौर से कहते हैं, सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ उचित निर्देश दिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कई वर्षों बाद होने वाला यह आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक हो, एक भव्य तरीके से पूरे जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन हो। 26 जनवरी पूरे जिले में जोश खरोश से मनाई जाएगी। गणतंत्र दिवस पिछले वर्षों में कोरोना वायरस संक्रमण काल की वजह से उस तरीके से आयोजित नहीं किया जा रहा था। काफ़ी अरसे बाद 26 जनवरी इतने उत्साह से मनाई जाएगी। इस साल कोरोना काल के बाद पहली बार भव्यता के साथ उत्साह से कार्यक्रम का आयोजन होगा। पूरे मैदान को अलग तरीके से सजाने की तैयारी की जा रही है। जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर लोगों में उत्साह भी जगाया जा रहा है। हालांकि 26 जनवरी को सुबह गणतंत्र दिवस की जहां एक और परेड होगी, विधानसभा अध्यक्ष इस मौके पर मौजूद होंगे, वहीं शाम को भारत पर्व का कार्यक्रम भी रीवा के नगर निगम में मनाया जाएगा। उसकी भी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। हमने पूरे कार्यक्रम को लेकर जानने समझने की कोशिश की। कलेक्टर रीवा मनोज पुष्पे क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से तैयारियां की जा रही, आइए आपको सुनाते हैं कलेक्टर रीवा पूरे कार्यक्रम को लेकर 26 जनवरी मनाने को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं, आप भी सुनिए। गणतंत्र दिवस का समारोह पूरे गरिमा के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसा आपने कहा है सही है, कोरोना के कारण हम लोग फुल फ्लेज्ड समारोह कई बार नहीं मना पाए हैं, लेकिन इस बार काफ़ी उत्साह है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। बच्चों में, बड़ों में, सभी में उत्साह है और हम लोगों ने इसलिए विशेष व्यवस्थाएं भी की है ताकि जो लोग यहाँ पे कार्यक्रम देखने के लिए आ रहे हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, उन सबको बेहतर फील हो और सभी के साथ मिलकर पूरे ज़िले में गणतंत्र दिवस का समारोह बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और सभी जगह उसकी अच्छी तैयारियां हो रही हैं। नई व्यवस्था भी की जा रही है सुरक्षित ग्रुप पासवर्ड की, ये परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी इससे, क्योंकि 26 जनवरी में तो कम, लेकिन कई बार 15 अगस्त के कार्यक्रम में बारिश अगर हो जाती थी तो तकलीफ हुआ करती थी। उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हो जाए। पीछे एक वॉशरूम भी इसलिए बनाया जा रहा है और इस पूरे परिसर को खूबसूरत और भव्य करने की पिछले 3-4 महीनों से लगातार कोशिश हो रही है। आप देख रहे होंगे कि पूरे इलाके को खूबसूरत किया गया है, तो कोशिश ये है कि परमानेंट व्यवस्था भी अच्छी हो और कार्यक्रम गरिमापूर्ण और हर्षोल्लास के साथ बिना किसी असुविधा के संपन्न हो सके। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।